जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं एजुकेशन 33। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर भारत और चीन में जंग होता है तो कौन देश ज़्यादा ताकतवर है और कौन देश कम ताकतवर है, किसके पास परमाणु हथियार ज़्यादा है और किसके पास परमाणु हथियार कम है, किसके पास सैन्य ताकत ज़्यादा है और किसके पास सैन्य ताकत कम है। तो आज की इस वीडियो में अपने देश के ऊपर बात करने वाले हैं कि भारत देश चीन का सामना कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें। देखिए फ्रेंड, अगर भारत और चीन में अगर जंग होता है तो चाइना और भारत के बीच में जो एरिया है जिसको कि बॉर्डर बोलते हैं, उसमें 3488 किलोमीटर के दायरे में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। देखिए फ्रेंड, ये है चाइना और ये है भारत, ये बीच वाला जो एरिया है इसको बॉर्डर बोलते हैं और ये बॉर्डर में 3488 किलोमीटर के क्षेत्रफल में संघर्ष का माहौल बना रहेगा। यानी कि इसमें ये हो सकता है कि चाइना वाला जितने जवान है वो भारत पे हमला कर सकता है और भारत का जितने भी जवान है वो चीन पे हमला कर सकता है। तो मतलब कि संघर्ष का माहौल बना हुआ रहेगा और 3488 किलोमीटर के अंदर ही माहौल बना हुआ है। और जितने भी उत्तरी पूर्वी राज्य है, जैसे कि पीओके, लद्दाख, तिब्बत, ये सब जितने भी उत्तरी पूर्वी राज्य है, सभी में संघर्ष का माहौल बना हुआ रहेगा अगर चीन और भारत में जंग होता है तो। अब दोनों में तुलना देखते हैं कि किसके पास सैन्य ताकत कितना है। देखिए फ्रेंड, भारत के पास कुल एक्टिव जवानों की संख्या 14 लाख के आसपास है और उसमें रिजर्व जवान जो है वो है 21 लाख, ठीक। और वहीं पे बात करते हैं, चाइना के पास 21 लाख एक्टिव जवान है और 5 लाख रिजर्व में है। क्या उखाड़ेगा, मतलब इंडिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा चाइना अगर चलेगा तो। मतलब बड़ी बड़ी सेना का मतलब दिखाएगा कि मेरे पास ये है वो है, लेकिन सामना नहीं कर पाएगा। देखिए फ्रेंड, चाइना वालों को कहीं तो दुश्मनी है नहीं, इसलिए वो क्या करते हैं चाइना वाला होशियारी कि हिमालय जो एरिया है उसमें ज्यादा से ज्यादा सैनिक को हिमालय के एरिया में लगा के रखा है ताकि भारत हमला नहीं कर सकता। यानी कि बहुत दिमाग लड़ाता है चाइना वाले। और देखिए फ्रेंड, भारत के पास 4292 लड़ाकू टैंक है लेकिन चीन के पास उतना नहीं है, इसके पास 3500 ही है। यानी कि 3500 ही लड़ाकू टैंक है। और भारत के पास 8686 बख्तरबंद लड़ाकू विमान है और चीन के पास 33,000 बख्तरबंद लड़ाकू विमान है। और भारत के पास 235 स्वचालित आर्टिलरी है और चीन के पास उससे ज्यादा है, यानी कि इसके पास 3800 के लगभग है। भारत में 266 रॉकेट लॉन्चर्स है और चीन में 2650 रॉकेट लॉन्चर। अब देखिए फ्रेंड, हवाई ताकत की बात करते हैं कि भारत के पास पहले कितना है। देखिए फ्रेंड, भारत के पास कुल 2123 एयरक्राफ्ट है और इनमें से 538 जो होता है वो लड़ाकू विमान है और 172 जो है वो सिर्फ अटैक करने के लिए है, और उसमें 250 परिवहन विमान है और 359 ट्रेनर है और 77 स्पेशल मिशन है और 722 हेलीकॉप्टर और उसमें से 23 लड़ाकू हेलीकॉप्टर। अब बात करते हैं फ्रेंड कि चाइना के पास हवाई ताकत कितनी है। देखिए फ्रेंड, चीन के पास 3210 एयरक्राफ्ट्स हैं और इसमें से 1232 लड़ाकू विमान है और 371 सिर्फ अटैक करने के लिए है और 224 परिवहन विमान है, 314 ट्रेनर है और 111 स्पेशल मिशन, 911 हेलीकॉप्टर, 281 लड़ाकू हेलीकॉप्टर। अब दोनों देशों में नौसेना की ताकत कितनी है वो देखते हैं। देखिए फ्रेंड, भारत के पास 285 फ्लीट है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर और 16 पनडुब्बियां है और 10 डेस्ट्रॉयर्स है, 13 फ्रिगेट्स हैं और 19 कॉर्वेट्स हैं और 139 कोस्टल पोर्टल है और 3 माइन वॉरफेयर है। अब चाइना की बात करते हैं तो चाइना के पास 777 फ्लीट्स हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 74 पनडुब्बियां हैं और 36 डेस्ट्रॉयर्स हैं और 152 फ्रिगेट्स हैं और 50 कॉर्वेट्स हैं, 220 कोस्टल पोर्टल और 29 माइन वॉरफेयर। अब देखिए बताते हैं कि लॉजिस्टिक सपोर्ट किसके पास कितना है। देखिए फ्रेंड, भारत के पास 346 एयरपोर्ट्स हैं और 1719 मर्चेंट मरीन है, यानी कि 1719 मर्चेंट मरीन है और 13 पोर्ट्स और टर्मिनल और 52 करोड़ लेबर फोर्स है। और चाइना के पास कुल 507 एयरपोर्ट्स हैं और 4610 मर्चेंट मरीन और 22 पोर्ट और टर्मिनल और 80 करोड़ लेबर फोर्स, यानी कि सब का सब फेकू है।
कोई काम का नहीं। देखिए फ्रेंड, अगर भारत और चाइना में जंग होता है तो पाकिस्तान और म्यांमार ये दोनों किसका साथ देंगे? भारत का साथ नहीं देंगे ये, बल्कि किसका देंगे? चाइना का साथ देंगे। देखिए फ्रेंड, अब दोनों देश की रक्षा बजट कितनी है? देखिए 2020 की बात करें, जब कोरोना का टाइम चल रहा था, तो भारत ने 70 अरब डॉलर अपने देश में खर्च किया था और चाइना ने 179 अरब डॉलर खर्च किया था, क्योंकि उसी के देश से ही फैला था, उसमें ज्यादा था, लेकिन भारत में उतना नहीं हुआ। देखिए फ्रेंड, चीन का सेना मौका पड़ने पर कुंग फू और मार्शल का उपयोग कर सकता है, और चीन का सेना पौष्टिक आहार ना करके वो कुछ खा लेगा, सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली कुछ खा लेगा, यानी कि इसका सिर्फ पेट भरना चाहिए, इसको जो मिल गया वो खा लेगा। ये है चाइना। भारत वाले ऐसा नहीं करते हैं, भारत वाला ऐसा करने वाले लगते हैं, ये कुत्ता बिल्ली चबाने वाला ये चाइना होता। और फ्रेंड, भारत का जो सैनिक होता है ना, उसको दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक बोला जाता है भारत में, यानी कि बहुत अच्छा से ड्यूटी निभाते हैं वो, भारत के सैनिक ही निभाते हैं। और भारत के पास सबसे ताकतवर मिसाइल जो होता है ना, वो है ब्रह्मोस मिसाइल। ये वाला मिसाइल जो है ना, नंबर वन है इंडिया का, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल, और यह 952 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ता है। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।